गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BLS मैथ्स की क्लासेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 11 एंड इट इज मनी एंड वी हैव डन आवर 11.1 एक्सरसाइज 11.1 वी हैव डन नाउ 11.2 एंड इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट्स स्टार्ट। रिमेंबर पॉइंट्स, यस। सो इट इज CP। व्हाट इज द मीनिंग फॉर CP? अगर कहीं आपको लग रहा है वहाँ C.P. So it means, what is the full form for CP? It is cost price. It means actual price of any article. And SP means the selling price. Yes, iski jo cost thi, that is original cost and it is selling price. ठीक है, जैसे कि कोई मार्केट में अगर हम जाते हैं, suppose that I purchase this oil. Yes, and this cost is जो शॉपकीपर को इसको जो पड़ा, जो कॉस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट यानी CP, जो कॉस्ट प्राइस इसका था, इट वाज 50 रुपीज़। कितना था? 50 रुपीज़ में किसको? शॉपकीपर को पड़ा। बट इट ही सेल्ड इट इन ₹60 और उसने सेल कर दिया, यस, 60 रुपीज़ में। इट मीन्स द एक्चुअल प्राइस दैट इज कॉल्ड CP एंड द सेलिंग प्राइस जो कस्टमर को सेल किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। And what is overhead charges? Overhead charges means the extra charges. Yes, जैसे कि कोई additional expenses is, मतलब जैसे कि कोई transport का खर्च हो रहा है उस पर, yes, जैसे कि कोई ये product बन के आया company से and इसमें transport खर्च आया, ये packaging खर्च आया, yes, these are called additional expenses. Okay, it is our new point and it is profit. Profit होता क्या है? When SP is bigger than CP. Yes, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है CP से। कैसे? इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन देयर विल बी प्रॉफिट। जब आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, यस, हेयर ऑयल उसकी जो कॉस्ट थी CP कितना था? 50 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस कितना था? 60 रुपीज। नाउ उसने खरीदा 50 रुपीज में, सेल किया 60 रुपीज में, इट मीन्स नाउ ही इज गेटिंग प्रॉफिट। सो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब कितने का प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस CP, ये सेलिंग प्राइस कितना है? 60 और CP कितना है आपका? 50। तो 60 माइनस 50, सो यू विल गेट 10। सो ही इज गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रॉफिट। सपोज दैट CP इज मिसिंग देयर एंड SP इज गिविंग यू एंड प्रॉफिट इज गिविंग यू। जब आपको SP देखा है और प्रॉफिट देखा है, ओके, जैसे कि प्रॉफिट कितने का हुआ आपका? 10 रुपीज का। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज एंड व्हाट इज मिसिंग हियर? CP इज मिसिंग। CP यहाँ पे मिसिंग हो गया एंड इट इज सेइंग दैट फाइंड द CP इफ SP इज 60 एंड प्रॉफिट इज 10। तो व्हाट यू विल डू हियर? माइनस ऑफ SP, SP से माइनस करेंगे 10 यानी प्रॉफिट। So you will get CP. कितना जाएगा? 60 minus 10, you will get 50. So it will come 50. Okay, ऐसे ही आपका SP का रहेगा। SP is equals to CP plus profit. अगर आपको SP find करना है, then क्या होगा? CP plus profit. Then you can find your SP. Okay student, now loss. Next point is loss. If the cost price is more than the selling price, then there will be loss. जब आपकी cost price आपकी बड़ी है selling price है, जैसे कि मैंने ये इसकी जो selling price थी वो थी इसकी cost price जो इसकी original cost थी वो थी 5 रुपीज और मैंने इसको sell कर दिया in 4 रुपीज में। Yes, मैंने 4 रुपीज में sell कर दिया without using, मैंने ऐसे ही इसको sell कर दिया 4 रुपीज में, यानी SP. Okay, so CP is bigger than SP. Sale यानी कम में किया है मैंने और मैंने ज़्यादा का खरीदा था. It means I am getting loss. Yes, the loss is equals to CP minus SP. तो CP minus SP करेंगे 5 minus 4, so I am getting a loss of 1 rupees. Yes. In this condition the CP is missing. जब आपका CP missing है, यानी CP is blank here और आपको देखा है loss. Loss is 1 rupees और SP is 4 rupees. तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? SP प्लस लॉस को दोनों को ऐड कर देंगे। SP प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। यस, तो CP कितना हो जाएगा आपका? 5, जो कि आपने ऐड कर दिया था। नेक्स्ट इज SP। SP अब निकालना है तो CP माइनस लॉस। अगर सपोज करो यहाँ पे आपका
कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज रहता है, एसपी मिसिंग हो गया है, लॉस आपको दे रखा है 1 रुपीज का. ओके नाउ सो हाउ यू विल फाइंड द एसपी, एसपी निकालने के लिए सीपी माइनस लॉस. तो सीपी कितना है, सीपी कितना है 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4. सो इसका जो सेलिंग प्राइस है कितना गया 4. सो वी कैन यूज दीज पॉइंट्स इन आवर एक्सरसाइज 11.2. सो नाउ स्टूडेंट इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज सेइंग फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केसेस. यस वी आर हैविंग फ्यू केसेस, ई पार्ट है इसमें एंड इट इज सेइंग ए पार्ट द सीपी द कॉस्ट प्राइस इज 200 रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस एसपी इट इज 260. यानी किसी ने कोई परचेज किया आइटम दैट इज द कॉस्ट प्राइस कितना है 200 एंड उसने जो सेल किया उसको कितने में 260 में, यानी कि प्रॉफिट एसपी इज बिगर देन सीपी, जो सेलिंग प्राइस है वो आपका बड़ा है किससे, सीपी से. सो वी विल गेट प्रॉफिट. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या क्या होगा, एसपी माइनस सीपी. जो भी हमारा एसपी है बिगर है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीपी को. तो इट इज 260 माइनस 200 सो व्हाट यू विल गेट ₹60. यस सो उसको जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, दैट इज ₹60. नाउ डी पार्ट इट इज सेइंग द सीपी, सीपी इज ₹640 एंड द एसपी इज ₹705 एंड द ओवरहेड चार्जेस इज ₹80. आपने कोई ऑनलाइन परचेज किया, कोई आइटम परचेज किया एंड उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 640 रुपीज एंड जो उसको आपने सेल कर दिया, किसी बंदे को सेल कर दिया आपने, आपको अच्छा नहीं लगा एंड आपने जो उसको सेल किया वो 705 रुपीज में सेल कर दिया, लेकिन यू फॉरगेट द ओवर चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस. ओवरहेड चार्जेस मीन्स क्या होता है आपका, दैट इज एक्स्ट्रा चार्ज. यानी कि आपने ऑनलाइन मंगाया उसकी जो डिलीवरी चार्ज था वो कितना हो गया 80 रुपीज़ हो गया सपोज कर लीजिए, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है, ठीक है 80 रुपीज़. सो इसकी जो सीपी थी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 640 और 80 रुपीज़ आपके ओवर चार्ज लगे, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट प्राइस. यस नाउ इट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सीपी 640 प्लस ओवरहेड चार्जेस 80 सो इट इज 720. तो आपका जो टोटल सीपी निकल गया ये वाला नहीं होगा, आपका कितना होगा 720. नाउ नाउ वी आर सीइंग हियर सीपी इज 720, एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 705 रुपीज में. यानी आपने परचेज आपने लिया था 720 का और आपने सेल किया उसको 705 रुपीज में, यानी कि लॉस. यस सो लॉस कितने का होगा आपका, सीपी माइनस एसपी कर देंगे. सो 720 माइनस 705 नाउ वी आर गेटिंग द लॉस ऑफ 15 रुपीज. यस तो आपको इसमें कितने का लॉस हुआ, 15 रुपीज. नाउ स्टूडेंट इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एसपी इन ईच केस. आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एसपी निकालना है. आपके पास सीपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है. सीपी इज 835 एंड द प्रॉफिट इज 65. ओके एंड इट इज सेइंग फाइंड द एसपी. अब एसपी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कॉस्ट प्राइस आपकी इतनी है और इस पर आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपने इतने रुपए एक्स्ट्रा में सेल किया. इट मीन वी विल टू ऐड या यू कैन ऑल्सो लर्न आवर फॉर्मूलाज. ओके तो इसमें आप ऐड कर देंगे देन इट विल एसपी जो आपने सेल किया है सेल प्राइस हो जाएगा. तो सीपी प्लस प्रॉफिट को हो जाएगा. सो इट इज 835 प्लस 65 तो इट विल 900 रुपीज. तो इट विल एसपी. ठीक है आपका एसपी कितना गया 900. नाउ इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो सीपी इसमें दे रखा है 7349 रुपीज एंड द लॉस जो आपको दे रखा है इसमें लॉस आपको दे रखा है इट इज 1024 रुपीज एंड ओवरहेड चार्जेस इट मींस द एक्स्ट्रा चार्जेस जो इसकी कॉस्ट थी सीपी थी उस पर एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगा हुआ है 210 रुपीज का. नाउ पहले तो हम क्या निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी क्योंकि इस पे तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा आए एंड जो उसके प्राइस था इतना था तो खर्चा इस पे इतना आया तो टोटल कितना हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस इसको तो सीपी प्लस ओवरहेड चार्जेस. तो ओवरहेड चार्जेस कितना था 210 एंड सीपी कितना था 7349. सो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 7559 रुपीज. ओके नाउ अभी हमको क्या निकालना है एसपी निकालना है. ठीक है तो एसपी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इतने का हुआ देन यू विल गेट योर एसपी. तो माइनस किया एंड वी आर गेटिंग 6535 रुपीज इट इज एसपी. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज सेइंग फाइंड द सीपी इन ईच केस. यस यहाँ पे आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है. जहां भी आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है.
Now SP selling price is 3,557 and the profit आपको देता है 569 का and आपको क्या निकालना है CP question में देता है already CP निकालिए तो CP when we are having profit and SP तो क्या हो जाएगा देखिए cost price निकालना है और किसी चीज पे आपका profit भी हो रहा है तो it is a bigger yes तब आपने CP में profit add किया तभी तो आपका selling price आया होगा Yes, अगर आप इसको सेपरेट कर देंगे 3057 माइनस 569 इट मींस एसपी माइनस प्रॉफिट आपका या तो आप याद कर लीजिए या यू कैन आल्सो फाइंड लाइक दिस ओके तो एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू 3057 माइनस 569 सो यू विल गेट 2488 रुपीस ठीक है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2488 रुपीस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है आपका 575 रुपीस एंड द लॉस कितना दे रहा है आपको 45 रुपीस का सो कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे लॉस का जब लॉस हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये तो कॉस्ट प्राइस इस कंडीशन में क्या होगा देखिए सेलिंग प्राइस 575 ओके लॉस आपको 45 का हो रहा है तो सीपी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे वी विल डू हियर प्लस यस ना यानी कि सेलिंग प्राइस में आप लॉस ऐड कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्योंकि ये आपका लेस होगा ना सेलिंग प्राइस लेस देन सीपी तो आपका लॉस होता है तो एसपी प्लस लॉस कर देंगे तो इट इज 575 प्लस 45 सो यू विल गेट 620 रुपीज सो स्टूडेंट यू विल डू ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 इन योर क्लास रजिस्टर Okay, student. So, bye-bye, student. Stay safe. Stay home. Bye-bye. And Happy New Year.